और तिप्रसा की संस्कृति और तिप्रसा की पहचान को किसी भी हालत में किसी भी सूरत का मतलब रक्षा करेंगे। और हम आज के डेट में पार्लियामेंट में हमें से देखा है, कभी उठाते हैं ये आसाम चुक्ति, मतलब आसाम की जो समझौता हुआ था, आसाम की जो स्टूडेंट फेडरेशन और राजीव गांधी जी के द्वारा मतलब बीच में जो समझौता हुआ था उसको बता के आसाम में आपने एनआरसी लाया। 370 हटा के आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ न्याय किया। और मैं भी यही कहूंगा आज इस मंच से कि जब 1949 में भारत सरकार के द्वारा हमारे महारानी रीजेंसी कांचन प्रभा देवी जी को तिप्रा जाति का अस्तित्व, तिप्रा जाति की भाषा, तिप्रा जाति के कल्चर को रक्षा करने का आपने वादा किया था, आज तक नहीं हुआ, उसका सुधार आप कब करेंगे? मौजूदा सरकार से मेरा सवाल है, उसका सुधार आप कब करेंगे? जम्मू कश्मीर में किए गए गलती को आपने सुधार किया 370 हटा के, ये तिप्रा जाति की कॉक बरोक भाषा और यहाँ की जो आइडेंटिटी और हमारे अधिकार को आप कब रक्षा करके हमारे साथ न्याय करेंगे? बल्कि आपने ऐसा नहीं करते हुए पिछले सरकार जो कांग्रेस ने किया था, जब मर्जर एग्रीमेंट हमने आपके साथ किया था, 26 साल आपने केंद्र शासित राज्य बनाते हुए बाहर के लोगों को राज्य की जो समता देते हुए बांग्लादेश से आने वाले लोगों को यहाँ के सिटीजनशिप गैर कानूनी तरीके से बनाने को दिया, और उस उनके वहाँ के बाहरी लोग जब संख्या में ज्यादा हो गए तब आपने विधानसभा बना दिया, और विधानसभा बनाने के बाद 63 में जब इलेक्शन हुआ यहाँ की तिप्रा जाति को छोड़कर जो विदेशी नागरिक है उनको अपने राज्य की मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ आपको, उसके बाद में भी आपके मन को ठंडक नहीं पहुंची, आपकी कलिजा को ठंडक नहीं पहुंची। 1972 को फिर से पूर्ण राज्य की दर्जा देते हुए यहाँ 60 सीट बना के, असेंबली सीट बना के ज्यादातर बाहर के आने वाले लोगों को ये सीट प्रदान करके आपने हमारे साथ जो अन्याय किया है, आज भी उसका कोई न्याय हमें नहीं मिला है, उसका विचार करने वाला लोग आज भी हमें नहीं मिला है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार को भी आप हमारे साथ पहले न्याय कीजिए। भारत सरकार ने 1949 को जो हमारे साथ वादा किया था वो एक भी पूरा नहीं हुआ, उसको आप पूरा कीजिए, उसके बाद सीएए को तिप्रा में लागू करने के बारे में आप सोचिए, नहीं तो तिप्रा में बहुत से जान जाएंगे, बहुत से खून बहेंगे, लेकिन हम लोग किसी के खून नहीं बहाएंगे। इसको रोकने के लिए हमारे जो युवा है, हमारे जो लोग है, हमारे जो जाति है, वो रोड पे आ जाएंगे। और आपकी सरकार के द्वारा हमने देखा है 2018 8 जनवरी को आपने सीएए को जब हमने विरोध किया था तब गोली चलवाई थी, इस तरह की खून बहा बह जाएंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हमारी लैंग्वेज की गारंटी आप देते थे, हमारा आइडेंटिटी की गारंटी आप देते थे, हमारी कल्चर की गारंटी आप देते थे, आज हम 50 सालों से ये लड़ते हुए आए हैं, ये मांग है हमारी कि हमारी कॉक बरोक भाषा को भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल में रोमन स्क्रिप्ट के तहत डाला जाए, आपने आज तक वो भी नहीं किया। आज आपने वो भी नहीं किया, हमारी कॉक बरोक भाषा को 8 शेड्यूल में रोमन स्क्रिप्ट में डालने के लिए हमने 50 सालों से यह आंदोलन ये मांगे करते आए हैं, लेकिन हमारे बातों को कांग्रेस बोलो, बीजेपी बोलो, हर कोई सरकार सेंट्रल में आए हैं, सभी अनसुनी करके रखा है। इसलिए ये जो सीएए है ये भी उसी की तरह हमारे साथ संयंत्र के तहत धोखा होने वाला है, और हम धोखा होने नहीं देंगे। हमने बहुत से धोखे देखे हैं, बहुत से वायदे हमने देखे हैं, एक भी वायदा हमारे साथ पूरा नहीं हुआ जो हमसे किया गया था। और आज भी आप कह रहे हैं कि सिख सीजल क्षेत्र में सीएए लागू नहीं होंगे, इसका क्या मतलब है? सिख सीजल क्षेत्र में सीएए लागू नहीं होने से भी तिप्रा में हो
अगर त्रिपुरा में हो गया तो हमारा सब कुछ चौपट हो जाएंगे। इसलिए हम लोग त्रिपुरा में सिख शिथिल में हो या ना हो, हमारे त्रिपुरा राज्य में सीएए को लागू नहीं करने देंगे। आज हमने पेपर में पत्रिका में देखा है, न्यूज पेपर में, कि आपने गैजेट नोटिफिकेशन जारी करवा दी है। फिर भी आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन सीएए के लिए जब तक आप सीएए त्रिपुरा से विथड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और हमने बीते हुए दिन को भूलकर आने वाले भविष्य के लिए वर्तमान में जो आपसे मांग रखी थी कि सिख शेड्यूल क्षेत्र को पूर्ण राज्य त्रिपुरा लेन देने की बात, आपने उसको भी हमारी बात को सुनते हुए आपको ये भी नहीं सोचा कि ये त्रिपुरा जाति असल में सचमुच जीने के लिए ही मांग कर रहा है, सचमुच जीने के लिए ही मांग कर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए, आपने चाहा सीएए लाना, आपने सीएए ला दिया क्योंकि वो आप चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहत उसमें कुछ भी नहीं। हम किसी की खिलाफ तो नहीं जा रहे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार को मांग रहे हैं। इसलिए हमारे बीते हुए पल को हमने भुला दिया है। आने वाले भविष्य के लिए, हमारे अस्तित्व रक्षा करने के लिए, हमारे कल्चर, हमारे लैंग्वेज को इस तरह से बचा सकते हैं भारत सरकार। यही रास्ता हमने आपको दिखाया है, और वो रास्ता है अलग राज्य त्रिपुरा लेन, वो भी शिक्षित क्षेत्र को लेकर। आपको इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं मानेगा तो त्रिपुरा जाति रोकने वाला नहीं है, ये नहीं मानेगा तो हम बैठने वाले नहीं है, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। अगर बिना खाए बिना पिए कुछ भी अगर यही पर मरना पड़े, अगर आंदोलन करते हुए भी हमारे जान चले जाए, फिर भी हमारे अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे। और कुछ लोग जो है आईपीएफटी को गाली देने पर उनको खुशी मिलती है, मेरे दोस्त मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग, कुछ अपने आप को नेता कहलाने वाला लोग हमारे बीच में भी मौजूद है, वो आईपीएफटी को गाली देने से उनको खुशी मिलती है। क्यों? हमने देखा पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान हमारे आदरणीय महाराज को सहयोग करने के लिए, महाराज को सहयोग करने के नाम पे आईपीएफटी को गाली देकर, आईपीएफटी को लात मार के चला गया था। जब हमारे लिए आंदोलन करने को निकल आया, तब भी कांग्रेस में अभी भी पड़ा हुआ कुछ लोग है जो आईपीएफटी से जाकर कहता था तब महाराज को सहयोग करने के लिए हमने आईपीएफटी छोड़कर आया है। वो लोग